और इन दिनों जाति गणना की बड़ी चर्चा है तो जाति गणना पर आरएसएस की राय आई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति गणना पर छिड़ी सियासी चर्चा के बीच यह आगाह किया है कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं जाति आधारित जनगणना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए लेकिन कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर सरकार जाति गणना करा सकती है यह संघ की राय है दलित समुदायों के बीच कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए गणना करने का अधिकार सरकार को है आर एस एस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि हमारे समाज में जातिगत प्रतिक्रियाएं संवेदनशील मुद्दा बन जाती हैं। जातिगत गणना का राजनीतिकरण गलत है राष्ट्र सर्वप्रथम के संकल्पित संघ जातीय भेदभाव को पूर्णतः अस्वीकार करता है बुलक समाज और जातिविहीन व्यवस्था संघ का आदर्श है लेकिन पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल हिंदुत्व की काट में जाति उन्माद का बहाना ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी आबादी और हक की मांग करते हुए जाति गणना को अपना लाइफ टाइम मिशन मानते हैं यही वजह है कि राहुल गांधी मिस इंडिया में भी जाति ढूंढ लेते हैं और भारत सरकार के सेक्रेटरी में भी जाति ढूंढ लेते हैं लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक में जाति गणना के पांच साल से ज्यादा तो हो गए राहुल गांधी उसको सार्वजनिक कराकर आबादी और हक क्यों नहीं लागू करते है? राहुल तेलंगाना और हिमाचल में अपने मन मुताबिक आबादी और हक का मिशन क्यों नहीं पूरा करते हैं लेकिन उन्हें ये मांग बीजेपी से करनी है क्योंकि उन्हें हिंदुत्व तो हिंसक दिखता है उन्हें अपनी मोहब्बत की दुकान में एकजुट मुस्लिम चाहिए और जाति में बटे हुए हिंदू जो उनकी राजनीति को शूट करते हैं तो आर के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। फॉर ऑल वेलफेयर एक्टिविटीज to टू particular कम्युनिटी और कास्ट Uh, which is lagging behind, and so which is uh, the special attention is needed to some communities and caste. So, for that, if sometimes government needs the numbers, it is a very well practiced. So, government needs the numbers, it takes earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of the those communities and caste. चर्चा हुई है इस पर हमारे सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता निशांत राय से इस खबर पर निशांत ये बात तो बिल्कुल साफ है और मुझे लगता है कि उन्होंने ये साफ की भी होगी कि आप ये इस पर लगता है व्यापक चर्चा हुई है क्योंकि इन दिनों जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और कई विपक्षी नेता इसको बड़ा मुद्दा बनाकर उछाल रहे हैं तो संघ की इस बैठक में लगता है व्यापक चर्चा हुई है इस पर देखिए बिल्कुल आरएसएस की बैठक में इस पर चर्चा हुई है और जैसा कि अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेकर जी को अभी हम सुन रहे थे उनका क्लियर कहना है कि जातियों को खासकर जो पिछड़े और वंचित समाज हैं उनको लाभ मिलने के लिए अगर जातीय जनगणना सरकार अपने डेटा के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है तो बेहतर है ताकि उनको लाभ दिया जा सके लेकिन जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है जातीय जनगणना का वो उचित नहीं है और विपक्षी दल जिस तरीके

विनोद जी जो निषाद अभी कह रहे थे कि संघ ने अपनी राय प्रकट कर दी है लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा एक राजनीतिक पैगाम छुपा हुआ है कि संघ इस मुद्दे पे लेकर के संघ क्या सोच रहा है आगे क्या योजनाएं हैं संघ परिवार की बात कर रहा हूं देखिए मैं जितना समझ पा रहा हूं आज के इस जो पलक्कड़ के जो संघ की अपनी बैठक थी उसमें जो बात हुई है संघ ये जाति के लिए सबसे ज़्यादा जो संघ का ये मत रहा है वो समता मूलक और विहीन समाज की व्यवस्था की बात समझ रहा है संघ के सामने में जाति का तो कोई मसला है ही नहीं इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने एक तरीके से एक मैसेज दिया है सत्तासीनों को और जो दूसरे लोग हैं सत्ता में आने के लिए जिनकी तरफ है और जाति गणना के लिए जो एक बड़ा एजेंडा लेके घूम रहे हैं कि ये आप जिस तरह से एक विभाजा विभाजनकारी कर रहे हैं जाति गणना को लेके उसमें ये मत शंका है कि कल्याणकारी योजनाओं को लेके जो जातियों की गणना होती है खास करके दलित समुदायों के आवासीय उसकी योजनाओं को लेके तो ये सरकार का अपना अधिकार है जी। कि सरकार का अधिकार होता है कि उन जो पिछड़े में दलितों के बीच में जो आपको कल्याणकारी योजना अगर आप जा रहे हैं लेके तो उनके पास उसका डेटा आपके पास होनी चाहिए लेकिन संघ इस बात के लिए कतई इसमें यह नहीं होगा कि आप इस सियासत में पूरे एक हिंदुस्तान की जो अपनी एक छवि है और राष्ट्र की जो अपनी एकता और प्रभुता की बात होती है उसको तार तार करने के लिए आप जातीय विद्वेष करें इस दोनों को समझने की बात है और इस दोनों में फर्क है बिल्कुल जी बिल्कुल ये फर्क है और संघ ने वो फर्क दिखाया है और मुझे लगता है कि आगे चल करके जो काम होगा वो इसी पर होगा क्योंकि इस मुद्दे को विपक्षी दल बड़ी जोर शोर से उछाल रहे हैं फिलहाल शुक्रिया निशांत जुड़ने के लिए आपका और विनोद जी आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि एक और बड़ी खबर एक बड़े एजेंडे पर आज हम बात करने वाले हैं और वो बड़ा एजेंडा ये है कि क्या नामों को लेकर के कलाकारी वाला एजेंडा चलाया जाता है वो बड़ी चर्चा में है आपको याद होगा कांधार कांड आईसी एट जिसमें कि जो एयर इंडिया के विमान का अपहरण हुआ था उसी से जुड़ी बात है आईसी एट जो सिनेमा है उसमें हाइजेकस के नाम इब्राहिम शाहिद अहमद जहूर ये सब थे। लेकिन नाम को बदल दिया गया और ये जो सीरीज बनाई गई उसमें हिंदू नाम भोले तो नेटफ्लिक्स के, के, ने के यही कोड नेम थे तो सरकार ने अभी अब केंद्र सरकार ने जवाब मांगा है आईसी एट वन फोर सीरीज पर विवाद बढ़ गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कंटेंट को समन भेजा और जवाब मांगा ओटी वेब सीरीज आई 814 द कंधार हाइजक को लेकर विवाद गहराने के बाद सरकार एक्शन बोर्ड में आ गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स ने की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को तलब किया यह वेब सीरीज 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी जिसकी कहानी कंधार विमान हाइजक पर आधारित है इसमें हिंदू नामों के प्रयोग को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ है तो इस मामले को लेकर भाजपा के नेता राजीव चंद्र ने क्या कुछ कहा आइए देखते हैं पहले Look, I think uh, there is nobody. Uh, I vividly remember IC 814. I was uh, very uh, aware of that accident and very involved in following that. Every man and woman in India and indeed in South Asia knows that that hijack of IC 814 from Kathmandu was commit, committed, that act was committed by Pakistan's ISI backed terrorists. Now, nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. so how the people have hindu names in that movie i don't know but i am very very happy that the inv ministry and the government of india has taken cognizance of this and is uh, has summoned netflix हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी जुड़े विनोद जी ये नाम को लेकर जो कलाकारी वाला एजेंडा है ये कोई पहली बात नहीं है इसके पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन जरा डिकोड कीजिए उस मानसिकता को जो मानसिकता इस तरह का एजेंडा चलाती है लाल जी ये दुखद पहलू है ये जो इकोसिस्टम की बात अगर आप कहें कि की बात देखिए कि काठमांडू से जो प्लेन का है एट वन फोर का हैजैक हुआ और कैसे वो विमान पहुंचा कांधार पहुंचा हुँ, हुँ, हुँ। उसकी जो दुखद कहानी है हम आप जैसे लोग जो है उस घटना को कवर करते रहे जी, जी। और हमने देखा है उस दुखद पहलू को सारा देश स्तब्ध था सारा देश उस प्लेन में बैठे हुए दो सौ यात्रियों के एक एक क्षण के लिए दुआएं मांग रहा था उस घटना को लेके एक फिल्म बनती है जिसको ऐतिहासिक कहा जाता है और उसमें उस टेररिस्ट का नाम भोले रखा जाता है शंकर रखा जाता है गुड्डू रखा जाता लेकिन है लेकिन उनका जो तर्क तो, है कि यही था निकनेम उनका तो फिर इस पर क्या कहा जाए नहीं सीधे सीधे बात यह है कि आपने सिक्स का देखा होगा मुंबई का कांड का उसमें भी कलेबा अगर हाथ में कसाब का था तो आपने उसको उसको भी इको ने कभी हिंदू ठहराने की कोशिश की थी ये कोड नाम उसका हो सकता है लेकिन एक टेररिस्ट का नाम भोले तो नहीं हो सकता टेररिस्ट का नाम शंकर तो नहीं हो सकता तो ये जो आप कह सकते हैं इकोसिस्टम का यह खेल है यही सवाल पूछते हुए जो राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं और या बाकी और जो लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो नए जेनरेशन के लोग हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि हुआ, का जो काठमांडू से हाईजैक हुआ था किसी भोले ने किया था क्या शंकर ने किया था क्या पाकिस्तानी आतंकवादी का उसमें कोई हाथ नहीं था आप सबको क्लीन चीट दे है, रहे हैं इस तरह से जैसे लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद सामने में आके ये कह रहा हो कि हमने नहीं किया ये इसने भोले ने किया था ये मजाक जो है मजाक मजाक है ये इस फिल्म को एक तरह से आप कहें तो लोगों ने इसलिए इस मजाक उ किया और ये जो मजाक है ये एजेंडा है ना विनोद जी इस पर हम लोग जो है आगे चल करके ऐसे मजाक ऐसे एजेंडा को एक्सपोज तो करते ही रहेंगे फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज समय की